फिर से हाजिर हूँ देश की बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जाए उसके दूसरे भाग में। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आज देश में आर्टिफिशियल बेरोजगारी है। जी हाँ, एक्चुअल में देश में बेरोजगारी कम है लेकिन आर्टिफिशियल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करना नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं करना चाहते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज़रूर वो वीडियो देखिए। आइए जानते हैं कि देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है और कैसे मेरा और आपका योगदान होगा इस देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका है कि हमें अपनी डिग्री को कुछ समय के लिए साइड करना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार गलती ये होती है कि हमारे पास जब डिग्री आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है और धीरे धीरे हमारा ईगो बड़ा हो जाता है और वो ईगो हमें नया सीखने के लिए कहीं ना कहीं मना करता है और इसके कारण हम नया नहीं सीख पाते। एक चीज़ ध्यान रखना, बदलती दुनिया के अंदर आपका पुराना नॉलेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप नए ताले को पुरानी चाबी से नहीं खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ मानना पड़ेगा कि अगर मेरे पास डिग्री है तो मुझे सब कुछ नहीं आता है, और जिस दिन से हमने ये एक्सेप्ट कर लिया उस दिन से हमारी ज़िंदगी में एक मौके का नया दरवाज़ा खुल जाएगा और हम संभावनाओं के उस असीम सागर को देख पाएंगे। तो पहला तरीका है कि हमें अपनी उस डिग्री को साइड रखकर अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ आता है। जी नहीं, आपको सब कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरा तरीका है कि हमें एक शुरुआत करनी पड़ेगी। जी हाँ, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जब तक मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ नहीं लगेगी तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा, और ये मान्यता, ये धारणा बहुत गलत है, क्योंकि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ कब लगेगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो आज नहीं तो कल ज़रूर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है शुरुआत करना। तो आप शुरू करो, भले छोटा सा छोटा हो सके उसको शुरू करो, क्योंकि आप शुरू करेंगे तब ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, आपको शुरू करना पड़ेगा भले वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप शुरू करेंगे तो आप अपने आप को बेरोजगार होने से बचा पाएंगे, और यही तरीका है इस देश के अंदर बेरोजगारी को ख़त्म करने का। तीसरा तरीका है कड़ी मेहनत। जी हाँ, कहते हैं अगर आपने काम की शुरुआत कर दी है लेकिन अगर आपकी मेहनत पूरी नहीं है तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, लोग शुरू तो करते हैं लेकिन वो पूरा मेहनत या पूरी ताकत नहीं लगाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, और इसके कारण बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि शायद मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है या गलत चुनाव कर लिया है। तो ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें इस देश की बेरोजगारी को मिटाना है तो हमें मेहनत भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के अंदर एक सही मौका मिलना। तो अगर सही मौका आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहा है तो आप मेहनत करके उस सही मौके को एक बहुत बड़ी सफलता में कन्वर्ट कीजिए। तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, इसीलिए हम अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें इस देश की बेरोजगारी को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप मजदूरी करो, कड़ी मेहनत का मतलब है आप स्मार्ट वर्क करो, आप अपने ऐसे आइडियाज़ यूज़ करो कि जिससे आप कम समय के अंदर अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन से आपने अपनी लर्निंग बंद कर दी उस दिन से आपके जीवन में ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने। चौथा तरीका है देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने का, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, वो काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने काम की ही बुराई करते हैं, अपने बॉस की बुराई करते हैं, अपने कंपनी की बुराई करते हैं। अब ऐसे लोगों का ग्रोथ कैसे होगा? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप सफल हों और इस देश की बेरोजगारी भी ख़त्म हो तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है और वो अच्छाई ढूंढने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हम जब भी मेहनत कर रहे हैं, जब भी हम छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं तो ये सोचकर शुरुआत करें कि आज नहीं तो कल इसके अंदर मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप उस सफलता के लिए समय दीजिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर एक सकारात्मक नज़रिया बना के रखते हैं। तो अगर अपने देश में से बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा
तो ही हम एक जगह पर लंबे समय तक टिकेंगे और हम अपने जीवन के अंदर सफलता पाकर इस देश की बेरोजगारी को भी खत्म करने में मदद करेंगे। और पांचवा तरीका है कि आपको एक काम के अंदर कुछ समय देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन फटाफट वो अपनी नौकरियाँ बदल देते हैं, अपना बिजनेस बदल देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, रोम शहर एक दिन में नहीं बसा था, उसको समय लगा था। आपके जीवन के अंदर कामयाबी आने में भी आपको समय लगेगी, इसीलिए आप बहुत जल्दी निर्णय मत लीजिए कि ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। समय दीजिए, क्योंकि समय देंगे तो ही आप उस चीज़ की गहराई को समझ पाएंगे, आपके काम के या आपके व्यापार की गहराई को तभी आप समझ पाएंगे। और आप जिस दिन अपने व्यापार की या अपने काम की गहराई को समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर सफल होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए जिससे आप भी बेरोजगार होने से बच सकते हैं और ये पूरा देश भी बेरोजगार होने से बच सकता है और हम सब मिलकर इस देश की बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं अगर ये तरीकों को अप्लाई किया जाए तो। तो दैट्स इट, यही थी कि इस देश की बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जाए, ये चीज़ मैंने मेरे हिसाब से बताई। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे देश की बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस रिलीज़ करेंगे जिससे लोगों का भला होगा। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।